हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक भी ठीक ठाक चल रहा होगा। दोस्तों, गर्मी बहुत है, जैसे कि आपके वहाँ भी थोड़ा मौसम, अभी कुछ गर्मी बारिश पड़ गई थी रात में, तो थोड़ा मौसम टेम्परेचर थोड़ा गिर गया था, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन फ़िलहाल जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो है पसीनों में बहुत ही दिक्कत हो रही है। आपके वहाँ भी गर्मी तो खैर सब जगह ऐसी है, लेकिन इन पसीनों के बात चल रही है, दिमाग में आई कि जब हमें पसीने आते हैं तो जो हमने परिंदे पाल रखे हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये वो रहे, तो इन इन्हें भी जो है जानवर जो हैं, ये परिंदे जो हैं हमारे, इन्हें भी जो है पसीना ज़रूर आता होगा। लेकिन अगर हम पसीनों में थोड़ा मिट्टी में काम कर लें या बाहर काम कर लें, तो हमारे जो है कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और हमारे जो मतलब थोड़ी गंदगी महसूस होती है हमें, क्योंकि पसीनों में हम जो सन जाते हैं। लेकिन ऐसा मुर्गियों में नहीं है, कुदरत का देखो कितना अच्छा हिसाब किताब है ये। और बजाय गंदे होने की जो है इन पे वो जो है और भी अच्छी चीज़ जो है चमक आती है। मैं अभी आपको उनकी चमक जो दिखाऊंगा, ये बिल्कुल रेत में खेल रही है मेरी मुर्गी। मैं अभी जो रेत में खेलते हुए को भी आपकी जो है वीडियो दिखाऊंगा। और लेकिन उनकी जो गंदगी है, जो जब पसीने हमें भी आते होंगे, जाहिर सी बात है उन्हें पसीने आते होंगे, लेकिन ये उस गंदगी को दूर करने के लिए, जैसे हम नहाते हैं साबुन से नहाते हैं, तो ये भी अपने जो है पसीनों की दुर्गंध को या उस गंदगी को दूर करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये भी जो है रेत में नहा रही हों। और उनके जो है जैसे कि हम थोड़ा फ्रेशनेस महसूस करते हैं, थोड़ा अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, तो ये भी जो है उस तरीके से महसूस कर रही होंगी। और चमक, वाकई चमक है इन पर, मिट्टी में नहाने के बाद भी जो है इनके ऊपर जो है चमक है। मैं आपको जो शो कराता हूँ किस तरीके की चमक है। तो दोस्तों, आप जो है इन मुर्गियों को देखें, देखें इन मुर्गियों को जो है रेत में खेलने के बाद में इनके परों की जो चमक देखें, कितनी शानदार है, बहुत ही साफ़ हैं, बहुत ही अच्छी चमक। इसको देखें, चाहे आप इसको देखें, ये अभी रेत में से उठ के आई हैं, इसलिए खुजा रही हैं अपने परों को, तो मेरा यही कहना था। लेकिन ये जो नेचुरल जो इनका, अगर इनका नेचुरल जो तरीके से इन्हें अगर पाला जाए, तो इनके पल्लों की चमक बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत रहती है, ये गंदी नहीं होती। जबकि हम इसके मुकाबले अगर हम इन्हें पिंजरे में बाड़े बंद करें या इनके कोई केज हो, इनका कोई दड़वा हो, तो उसमें ये थोड़ी गंदगी मिल जाएगी, इनमें परों में थोड़ी गंदी गंदी सी महसूस होंगी है। लेकिन अगर हम इन्हें जो है इस तरीके से खुली रखें ना, फ्री रेंज स्टाइल में जो पालें, तो इनकी पल्लों की चमक आप खुद देखो, मैं बहुत ही हैरान हूँ। देखो कितनी सुंदर है, जैसे कि मोर हो बिल्कुल काला, देख लो वो भी मुर्गा है। इस मुर्गी को देखें, चाहे आप इसको देखें, बहुत ही साफ है बिल्कुल, ये देखो। जबकि ये अभी भी बिल्कुल जो रेत में नहाकर आई हैं, जैसे हम अपनी पसीनों को दुर्गंध से दूर करने के लिए हम नहाते हैं, वैसे ही लगता है शायद ये भी जो रेत में नहाती होंगी अपनी जो पसीनों को दुर्गंध को दूर करने के लिए। भाई जाहिर सी बात है, जब हमें गर्मी लगती है, हमें पसीना आता है, तो इन्हें भी जो है थोड़ा बहुत ज़रूर पसीना आता होगा इनकी बॉडी से। अगर इनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता होगा, इन्हें भी जो है पसीना आता होगा। अगर हम रेत में खेल लें, रेत में अगर कुछ काम कर लें या रेत हमारी बॉडी से लग जाता है, तो हम जो गंदे हो जाएंगे, हमारे जो कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही इनके, आप जो ये बिल्कुल अभी अभी रेत में से नहा आई हैं, और इनके पल्ले चेक करें, पर बहुत ही चमकदार और बिल्कुल साफ। भाई पसीना तो इन्हें भी आता होगा नहीं? आपको ये और दिखाता हूँ, ये फ्री रेंज में चुगने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल साफ एकदम, देखो कितना है, ये साफ रहता है बिल्कुल, जबकि इनमें कोई गंदगी नहीं है। इनके परों में पैर भी बिल्कुल साफ, और एक बोरा, ये दोनों देखो कितने साफ बच्चा है ये। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। देखो दो तो यहाँ नहा रही हैं और एक मेरी जो है मुर्गी वहाँ पे, देखो भाई वहाँ पर वो उछली गई, वहाँ वहाँ पर रेत में नहा रही थी, और कुछ जो है मेरे, मैंने वहाँ पे जो है रेत गिर रखा है इनके नहाने के लिए, ताकि ये रेत में थोड़ा पर को मार लें। वो मुर्गा वहीं पे बैठा था, अभी रेत में खेल रहा था, पंजे मार रहा रेत में, मिट्टी में।
तो आप भी जो इस तरीके का माहौल अपनी मुर्गियों को जो बना के रखें ताकि उनका मन खुश रहे, स्ट्रेस में ना रहें, एक दूसरे से लड़े ना, झगड़े ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।